श्रद्धेय आचार्य जी एवं गुरुकुल से आए सभी ब्रह्मचारी गण और आसपास से आए सभी धर्म प्रेमी सज्जन एवं मातृशक्ति और हरियाणा से पधारे सभी अतिथिगण और जिनके घर पे ये कार्यक्रम हो रहा है, श्री मुकेश मौर्य जी, माता प्रीति जी और हमारे छोटे भ्राता जी, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष में ये जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा है, आप सभी सज्जन यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए, प्रवचन आदि तो करने के लिए हमारे ब्रह्मचारी गण भी हैं और उपदेश या आशीर्वाद रूप में देने के लिए हमारे पूज्य आचार्य जी महाराज हैं। मैं तो आपके सामने बस थोड़ी सी बात रखूंगा। जैसे एक किसान के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी फसल होती है, उसकी कृषि ही सब कुछ होती है उसके लिए। एक माली के लिए उसका बाग ही सब कुछ होता है। जैसे गोपाल के लिए भी उसकी गायें, उसके पशु ही सब कुछ होते हैं। तो ऐसे में पूछना चाहता हूं, आप में ज्यादातर यहाँ गृहस्थी बैठे हुए हैं, कि गृहस्थियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? जैसे धन मुख्य है, संपत्ति मुख्य है, या आपका व्यवसाय मुख्य है, या आपका मकान, या आपके रिश्तेदार, क्या मुख्य है? कह रही थी, माता जी कह रही हैं कि पत्नी के लिए तो पति मुख्य है और पति के लिए पत्नी मुख्य है, लेकिन उन दोनों के लिए देखा जाए तो शास्त्रों में बताया गया है कि उनके बच्चे यानी कि उनकी संतानें ही उनकी संपत्ति है, वही सब कुछ है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जिस तरह से गृहस्थ आश्रम ये तभी सफल हो सकता है, तभी पूर्ण हो सकता है, जब हमारे पुत्र पुत्रियां जैसा हम चाहें या तो वो वैसे मार्ग पे चले या फिर धर्म के मार्ग पर चले, अर्थात ईश्वर ने जो हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया है उस पे चले, यानी वेद मार्ग पे चले। और वो तभी संभव है जब हम अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दें। केवल शिक्षा दें और संस्कार न दें, संस्कारों से बच्चे वंचित रह जाएं, तब भी उनका जीवन सफल नहीं हो सकता। मैं आपको इस परिवार का एक उदाहरण सुनाता हूं। कुछ महीने पहले श्री मुकेश मौर्य जी जिलहरी घाट पे घूमने गए थे और वहीं पे जब वो घूम के वापस आ रहे थे तो उन्होंने मार्ग में देखा कि गुरुकुल का बोर्ड लगा हुआ है, गुरुकुल बना हुआ है। तो इनकी इच्छा हुई, चलिए आश्रम है, मंदिर है, गुरुकुल है, घूम के देखते हैं कैसा है। तो ये घूमने के लिए आए। उस समय सायकाल का यज्ञ हमारा हो रहा था, तो इनके साथ एक परिवार और था, ये आए, इन्होंने आहुतियां दी। पहली बार घूमने आए थे उस आश्रम में, देखा बड़ा अच्छा वातावरण लगा। उस दिन पूज्याचार्य जी बाहर ऐसे ही किसी कार्य से गए हुए थे, तो हमसे थोड़ी चर्चा हुई। उसी दिन मैंने परिवार के अंदर ऐसे संस्कार देख लिए थे, जैसे ही आचार्य जी शाम को वापस आए तो मैंने आचार्य जी को बताया जी आज एक ऐसे धार्मिक और सज्जन परिवार गुरुकुल में आया था और बड़ा अच्छा लगा। पहली बार ही जब माता जी ने पूछा कि आपकी व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, इतने बच्चे रह रहे हैं, आप गुरुकुल चला रहे हैं,
तो आपके खाने पीने की रहने की व्यवस्थाएं कैसे होती हैं? आप बच्चों से फीस नहीं ले रहे, तो निशुल्क सब कुछ चलता है, तो ये व्यवस्थाएं कैसे हो रही है? तो हमने उत्तर दिया जी, आप जैसे धार्मिक सज्जन लोगों के सहयोग से ही ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो उसी दिन मुकेश जी और जो इनके साथ में परिवार था, उन दोनों ने गुरुकुल के लिए और गौशाला के लिए उसी दिन सहयोग किया। और जब देखा कि यहाँ पर बच्चों को ऐसे ऐसे संस्कार दिए जाते हैं, आसपास के गांव से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो अगले ही दिन अपने सुपुत्र रिवांश को वहां पे पढ़ाने के लिए लेके आए कि जी मैं प्रतिदिन सायंकाल 2 घंटे इनको लेकर के आया करूंगा और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिलाने के कार्य करेंगे, क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं कि आज समाज का माहौल कितना खराब हो चुका है, किस तरह की व्यवस्थाएं समाज में चल रही है। बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन फिर भी वो संस्कार उन्हें प्राप्त नहीं हो रहे जो होने चाहिए थे। यानी कि आज से आप अपना जीवन देखें या आप पहले के नवयुवक नवयुवतियों को देखेंगे तो उनका एक जीवन अलग था, और जो आज पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आने के कारण इनका जब जीवन देखेंगे तो कितना बदल चुका है। इनके चरित्र में, इनके व्यवहार में, इनके आचरण में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है। बाहर के लोगों का, अतिथि मेहमानों का तो सम्मान करना छोड़ दीजिए, स्वयं के माता पिता का सम्मान नहीं करते बच्चे। ज्यादातर माता पिता की एक ही समस्या रहती है जी, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। हम उन्हें कोई कार्य कहते हैं तो वो कार्य नहीं करते, हम उन्हें पढ़ने के लिए बोलते हैं तो वो पढ़ते नहीं है, हम उन्हें खेलने के लिए बोलते हैं तो वो खेलते नहीं है, फोन चलाते रहते हैं या बाहर घूमते रहते हैं, इधर उधर की यानी बहुत सारी समस्याएं वो गिना देते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि हमने बच्चों को समय देना कम कर दिया, हम अन्य चीजों को महत्वपूर्ण ज्यादा मानने लग गए, धन एकत्रित करना या अपना व्यवसाय चलाना या नौकरी आदि, अपना बस ड्यूटी पे गए आ गए वही अपना कर्तव्य। और माता पिता भी कुछ ऐसा समझने लग गए कि अच्छे से विद्यालय में बच्चे का एडमिशन करा दीजिए, फीस भरते रहिए, हमारा काम हो गया, अगला काम अध्यापक का है, वो करेंगे। देखिए अध्यापक भी कुछ जगह मजबूर होते हैं, उनके पास सिलेबस एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करके दे दिया जाता है कि वो केवल उस पाठ्यक्रम को ही पूरा करवा पाते हैं, बच्चों को संस्कार देने की बात उनके पास अलग से नहीं रहता, ना तो समय रहता और ना उसमें पाठ्यक्रम में ऐसी व्यवस्थाएं लागू की गई। इसी को देखते हुए सरकार ने आज भारतीय शिक्षा बोर्ड अलग से बनाने की आवश्यकता पड़ी है ताकि अपनी वैदिक पद्धति को पुनः लागू कर सके। जो मैं कहते पहले इस भारत में शिक्षा का ये बीज बो करके गया था, ये पाप करके गया था, उस पाप को धोने का कार्य आज हमारे कुछ साधु संत सन्यासी महात्मा उस कार्य में लगे हुए हैं, उसको कर रहे हैं ताकि बच्चों को विद्यालय में ही संस्कार भी दिए जाए। लेकिन फिर भी जब तक वो व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं हो जाती तब तक हमें बहुत ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है कि अपने बच्चों को संस्कार कैसे दें। तो क्योंकि जहां से बात चली थी जैसे कि माता पिता के लिए उनकी संतानें ही महत्वपूर्ण हैं, तो उसी तरह से अगर हमने अपनी संतानों पर ध्यान नहीं दिया, वो मार्ग भटक गए तो आगे न जाने कौन सा मार्ग पकड़ लेंगे, और फिर बड़े होने के बाद बच्चे सुनते भी नहीं है, जब छोटे नहीं सुनते तो फिर बड़े क्या सुनेंगे, और बच्चे भी ऐसे हो गए कि माता पिता में ही दोष देखने लग जाते हैं। ये बच्चों में एक बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं, ये आ रही हैं फोन के माध्यम से या गलत संगति के माध्यम से। तो बच्चों को भी ये बताया ही नहीं जा रहा कि माता पिता के तुम्हारे ऊपर कितने ऋण हैं, क्या कर्तव्य बनता है तुम्हारा माता पिता के प्रति, उन्होंने तुम्हारे ऊपर कितने उपकार किए हैं, तुम्हारे लिए किस किस तरह से वो व्यवस्थाएं करके मेहनत करके धन कमा करके लाते हैं, तुम्हारी व्यवस्थाएं बनाते हैं, तुम्हारे विद्यालय की फीस भरते हैं, तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं करते हैं, और वो मात्र 2 शब्दों में कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है बच्चों को संस्कार देने की, और उन्हीं संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहेगा
हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति का, यानी कि जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं उन्हें अपनाना पड़ेगा। जैसे ये जन्मदिन आदि कैसे मनाएं या अन्य त्योहार आदि हमारे कैसे मनाए जाते हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जान करके उन्हें अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने बच्चों को उन चीजों में ढाल सकते हैं, उन्हें बुराइयों से बचा सकते हैं। तो मुकेश आर्य जी के परिवार ने जो ये कार्य किया है कि यज्ञ के माध्यम से जन्मदिन मनाने का, ये बहुत ही अनुकरणीय है। आज समाज में आप देख रहे हैं कि मोमबत्ती आदि जला करके, केक काट करके जन्मदिन मना लिया जाता है, मोमबत्ती बुझाते हैं उसमें। अब बताइए, जीवन में अंधकार किया जाता है या रोशनी की जाती है? हम यहाँ यज्ञ में पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद अग्नि स्थापित करते हैं, ताकि हमारे जीवन में रोशनी हो, उन्नति हो, हम आगे की ओर बढ़े, हमारा जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर जाए। और वहां उल्टा होता है, पहले जला करके रखते हैं और फिर बुझा देते हैं उसे, और फिर जन्मदिन मनाते हैं, तो वो प्रकाश से अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। तो ये पाश्चात्य सभ्यता हमारी सभ्यता नहीं है, हमारी सभ्यता ऊपर उठने की है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की है। तो ऐसे ही जो भी हमारी जैसे जैसे भी व्यवस्थाएं या तीज त्योहार आदि जो भी प्राचीन पद्धतियां हमारी रही हैं, उन्हें रीति से अगर आप मनाएंगे तो ऐसे ही संगतिकरण करने का अवसर मिलेगा, साधु संतों का, ब्रह्मचारियों का आगमन होगा, तो घर में बहुत सारी बातें नहीं जानने को मिलेंगी, और जब उन पे अमल करेंगे तो घर में धन धान्य की, सुख शांति की, समृद्धि की उन्नति होगी। तो इन कार्यों से आप भी प्रेरणा लेकर के अपने बच्चों के जन्मदिन आदि या शादी की सालगिरह आदि को कैसे मनाएं, इन चीजों से प्रेरणा पा करके आप भी ये कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष खर्च नहीं आता,